नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट बस्सी ट्रैवल एंड टॉक्स। स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से ब्लॉग में और वेरी गुड मॉर्निंग। तो यार, आज शाम को मेरे को पार्टी में जाना है और तैयारी सुबह से करनी है, मतलब अभी से करनी है क्योंकि हल्की हल्की दाढ़ी आ रही है। ठीक है, जिम से आ चुका हूँ वी जोन का, और ये पहले बता दूँ स्पॉन्सर नहीं है। नहीं, आपको पता चले कि वाह यार तू तो स्पॉन्सर है, नहीं स्पॉन्सर नहीं है। मैं भाई फ्लाइंग पीस मुंबई का निखिल की तरह ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, लेकिन हूँ अमीर थोड़ा सा, वो आपको टाइम आने में पता चलेगा। ठीक है, ये खुला ढक्कन, ये निकला फुसफुस, इसको लिया दो उंगलियों पे, ये लिया दो उंगलियों पे। ठीक है, ये इसको लगाया हल्का हल्का कोमल से बच्चे की तरह, हाँ ऐसे ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ये ठंडी के नीचे, ये अगर कम पड़ जाए दोबारा ले लो। ये ले लिया दोबारा, ठीक है, और ये ले लिया दोबारा। दोबारा लेने के बाद ये फिर से रब, ये रब 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 रब, वो मैं रब रब करता रब रब, छुई मुई छुई, और हाँ दोस्तों ऐसे बाथरूम में जाना जिस बाथरूम में लाइट और जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ ज़्यादा ही आए। हाँ ऐसे बाथरूम में नहीं जाना जहाँ पे पूरा का पूरा अंधेरा है। ठीक है, ये मैं रब हल्का हल्का जलेगा, हल्का हल्का जलेगा, और जलने के बाद जब आपको पता लग जाए कि अच्छे से आपने पोत दिया है, मतलब लगा दिए, तो इसको धो दो ये जॉलाइन के ऊपर। ये जैसा कि आप देख रहे हो कान कान के ऊपर भी लग चुका है दोनों साइड में, यहाँ है। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये गया, हाँ ये हो गया। अब ये लेजर लेना है और ये सीधा, ये सीधा, ये ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको थोड़े से ब्रेक के बाद, थोड़े से ब्रेक के बाद। ये सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और हाँ तो ये जो ग्रीन ग्रीन आ रहा है इफेक्ट वो आफ्टर शेव इफेक्ट है, वो मैंने कुछ लगाया नहीं है, ना ही मैं को लगाता हूँ। मैं जैसा है वैसा ही रहता हूँ एज ए नेचुरल, और नेचुरल में आप एक हफ्ता के बाद शेव कर सकते हो, मतलब मैं शेव करता हूँ जब पार्टी होती है, जैसे फ्राइडे पार्टी हुई तो फ्राइडे को ही शेव कर ली, सैटरडे पार्टी हुई तो सैटरडे को शेव कर ली, ऐसा मेरा ये है। और आप आपका कैसा है कमेंट डाउन में बताओ। और हाँ ये यार भाई की जॉलाइन दिख रही है, तो कोई लड़की वर्की है तो बताओ, भाई सिंगल भी है 21 साल का, और भाई बहुत जल्द वो मोटो लॉगिंग भी शुरू करने वाले हैं, और भाई जाकिर खान का भी फैन है, तो है कोई लड़की तो बताओ, बात चलाते हैं। एनीवे जस्ट किडिंग, तो शेव हो चुकी है, आपको मिलता हूँ शाम को मिलूँगा, ठीक है शाम को, बाय। कमेंट में बताओ कि कैसा लगा। हे गाइस, मैं हो चुका हूँ तैयार, और लोगों का आउटफिट ऑफ द डे होता है, आउटफिट ऑफ द इवनिंग होता है, आउटफिट ऑफ द मॉर्निंग होता है, यूनिफॉर्म ऑफ द डे होता है, लेकिन मेरा
आउटफिट ऑफ द नाइट है वो कैसे अभी बताता हूँ। तो दोस्तों रात की पार्टी है ठीक है, और ये मैंने ब्लेड की शर्ट पहनी है जो कि यूनिक्लो ने स्पॉन्सर नहीं करी है, और अगर कोई यूनिक्लो से देख रहा है तो प्लीज़ स्पॉन्सर करो ठीक है। तो ये मैंने शर्ट पहनी है ठीक है, और ऐसी दिखती है ब्लेड की, और ये बेल्ट ये जीन्स, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपको जो दिख रहा है मेरी वॉर्डरोब है, और ये पीछे ये मेरे पीछे जो कि वेस्ट कोट है, ये टावल नहीं, ये वेस्ट कोट है, ये भी मैं एक दो दिन में पहनूंगा जब भी पार्टी होगी। और सोचूं नीचे क्या पहनूं, क्योंकि नीचे मेरे पास जॉर्डन है ठीक है, चप्पल तो पहन नहीं सकता, एडिडास के दो जूते हैं, एक जॉर्डन है और एक वाइट कलर के हैं, देखता हूँ कौन सा पहनूंगा। और हाँ, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो @upamanyuba करके एक मेरा चैनल है, वो जाके फॉलो करो, और वहाँ पे भी देखो मेरी खूब सारी बकचोदियाँ। और हाँ, एक चैनल है नया bullet_350lover, जी हाँ bullet_350lovers का एक चैनल है, मेरे दोस्त का चैनल है, उसको जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बहुत ही धांसू वो बनाता है, शॉर्ट्स बनाता है, सब्सक्राइब उसको भी करो मेरे को भी करो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। फिलहाल के लिए चलते हैं पार्टी पे, क्योंकि आज हमारी पारी हो रही है ठीक है, लाइक करो।